यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स डेट यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो ये कहती है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए जहाँ पे ए बड़ा हो बी से, ए का मतलब यहाँ पे डिविडेंट यानी जिसमें डिवाइड करना है, बी का मतलब यहाँ डिवाइजर यानी कि जिसका डिवाइड करना है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू एंड आर, दो इंटीजर क्यू और आर इस प्रकार से होंगे, सच दैट इसी प्रकार से होंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए यानी डिविडेंट इक्वल टू बी यानी डिवाइजर, क्यू यानी क्वेश्चन प्लस आर यानी रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एक क्लियर डिविजन लेमा समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन शाम को 5 बजे लाइव क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, अब अपन पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है सबसे पहले अपन बात करते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। एक जो एल्गोरिथम होता है वो एक श्रेणी होती है, सीरीज होती है, एक प्रोसीजर होता है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स जिसमें बिल्कुल फिक्स स्टेप्स होती है किसी चीज़, विच गिव्स जो कि देती है ए प्रोसीजर एक प्रक्रिया फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम एक विशेष प्रकार की किसी समस्या को हल करने के लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी किसी विशेष तरीके की यूक्लिड डिवीजन लेमा भी जो है एल्गोरिथम जो है उसको भी किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के काम में लिया जाता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैन बी यूज टू फाइंड द एससी ऑफ टू नंबर्स, इट कैन आल्सो बी यूज टू फाइंड सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसका उपयोग दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में किया जा सकता है और इसी के साथ साथ इसका दो संख्याओं के बीच में कुछ सामान्य प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। तो ऑब्टेन द एचसीएफ टू इंटीजर्स से सी एंड डी वेयर विद सी इज़ ग्रेटर देन डी। अगर अपने को दो चीज़ों का एचसीएफ निकालना है सी और डी का जहाँ पर सी बड़ा है डी से, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स बिलो। तो मेरे को नीचे दी गई सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। अप्लाई करो यूक्लिड डिवीजन लेमा सी और डी पे, यानी कि डी का डिवाइड करो किसमें सी में और उसको इस फॉर्म में लिखो सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। इफ आर इक्वल टू जीरो डी इज द एच सी एफ। अगर आर की वैल्यू जीरो आ गई तो डी एच सी एफ है सी और डी का। इफ आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आर जीरो नहीं है, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। तो अब जो डी आया है और जो आर आया है उस पर फिर से पहले वाला स्टेप करो, ठीक है, और इसको तब तक करो जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए जीरो, और जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाए वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वही अपना क्या होगा एच सी एफ होगा। ठीक है, इसको अपन इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 225 एंड 135। तो अपन ने देखा यहाँ पे अपन ने देखा था कि C बड़ा होता है D से, तो अपन C किसको मानेंगे 225 को और D किसको मानेंगे 135 को। अब अपने को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगानी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए अपने को 225 में 135 का डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन तो आएगा अपना 1 और रिमाइंडर आएगा अपना 90। तो इसको जब अपन लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में A इक्वल टू बी क्यू बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ए अपना आ जाएगा 225, बी आ गया अपना 135 इंटू 1 और प्लस 90, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 90 है और वो क्या नहीं है जीरो नहीं है, इसलिए अब अपन जो 135 है और जो 90 है इन दोनों पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यानी कि अब 90 को बी मानेंगे और 135 को ए मानेंगे। तो 90 का डिवाइड 135 पे करने पे 90 का डिवाइड 135 पे करने पे 1 तो आ जाएगा क्वेश्चन और 45 आ जाएगा रिमाइंडर। तो इसको लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब फिर से अपन ने देखते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 45 है जो कि क्या नहीं है जीरो नहीं है, तो इसको फिर से सोल्व करेंगे 90 को ए मानेंगे और 45 को बी मानेंगे। अब 90 में 45 का डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा जीरो और क्वेश्चन आ जाएगा 2 और रिमाइंडर आ जाएगा जीरो, और रिमाइंडर जीरो आ गया इसलिए इसमें जो डिवाइजर है 45 वही क्या होगा 225 और 135 का एचसीएफ होगा।
आई होप कि बच्चों तुम्हें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों अपन पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत। किसी भी तो अंक गणित की यानी कि नंबर वाला जो स्टडी होती है मैथमेटिक्स की, जो जिस ब्रांच में नंबर्स के बारे में स्टडी होती है उसे अर्थमेटिक कहते हैं। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अपन पढ़ने वाले हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अपन मोर देन टू, दो से अधिक प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में शो कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनको अपन दो से अधिक प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस प्रकार से नंबर्स को दिखाना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी कि इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको प्रेजेंट करने का। प्राइम फैक्टराइजेशन फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज होने की कोई संभावना नहीं होती। इट्स यूनिक यानी कि ये अद्वितीय होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स फैक्टर्स ओक्योर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर में चेंज हो सकता है और ऑर्डर में चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सर्कल द प्राइम्स एज फैक्टर दे अपियर्स। तो देखो, जैसे अपने को 1092 का प्राइम फैक्टर करना है तो अपन ने, क्योंकि इसका जो यूनिट्स पहले से ये 2 है तो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, और प्राइम फैक्टर करने के लिए अपन सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं। तो जब अपन ने 2 का इसमें डिवाइड किया तो आंसर आया 546। फिर मैंने इसमें 3 का दे लिया तो 182 आया। फिर मैंने इसमें 2 का दे लिया 91 आया। फिर 7 का दिया 13 आ गया। और ऐसे जब 13 आ गया तो सारे सर्कल्स करेंगे तो जो प्राइम नंबर्स जो आए हैं वो सारे कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 1092 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 3, 2, 7, 13। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से अपन प्राइम फैक्टर करेंगे। अब अपने को क्वेश्चन पूछता है कि चेक वेदर, जांच कीजिए कि 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि 6 की पावर n की कोई भी ऐसी वैल्यू रखें कि 6 की पावर n का जो आंसर आए वो उसकी लास्ट डिजिट, यूनिट्स डिजिट क्या हो? 0। ठीक है, तो इसको चेक करने का ये तरीका होता है कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? 2 और 5 आना चाहिए, क्योंकि 0 पे एंड होता है तो उसमें कहीं ना कहीं 10 है, और 10 होने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ये एक याद करने का क्वेश्चन है बच्चों। मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और आप इसको याद कर लेना। इफ़ एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर 0 पे ख़त्म होता है, इफ एनी नंबर टू एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 10 से। और इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 और 5 इज 10 = 10/5। या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि वो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 10 क्या होता है? 2 × 5 होता है। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इज 2 × 3 की पावर n, क्योंकि n का तो कोई प्राइम फैक्टर होता नहीं है। 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 3। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 ओनली कंटेंस 2 और 3। अब इसको देख के ये पता चलता है कि 2 की पावर n और 3 की पावर n हो गई, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 आते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n विल नॉट कंटेन 5। और जो यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, उसमें अपने को पता चलता है कि 6 की पावर n में क्या नहीं है? 5 नहीं है, इसमें तो सिर्फ 2 और 3 ही है। सो देर इज़ नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसलिए अपन कह सकते हैं कि 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर 5 का नहीं है। अपन बात करते हैं बच्चों HCF के बारे में। वॉट इज HCF? द HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स कंटेनिंग द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स। जो HCF होता है वो दो नंबर्स के वो इक्वल होता है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल, जो HCF होता है वो इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, उन
टर्म्स का, उन पदों का या उन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के कंटेनिंग द लिस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जिनमें कम से कम पावर होती है कॉमन फैक्टर्स की, ऑफ टू नंबर्स, जिस दो नंबर्स की, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स कंटेनिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स। तो देखो बच्चों, कॉमन फैक्टर आई एस सी एफ जो होता है, एच सी एफ में भी अपन प्राइम फैक्टर करते हैं दो नंबर्स का, और एल सी एम में भी अपन प्राइम फैक्टर करते हैं दो नंबर्स का। तो एच सी एम में तो सिर्फ लोएस्ट पावर लेते हैं, यानी कि जो लोएस्ट पावर होती है किसी नंबर की उसको लेते हैं, और एल सी एम में हाईएस्ट पावर लेते हैं किसी नंबर की जो प्राइम फैक्टर में होती है दोनों नंबर्स में से। चलो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो, जब अपन 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 2 एंड 3, और यहाँ इनकी कुछ भी पावर नहीं है तो इनकी पावर है 1, यानी 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 20 का जो प्राइम फैक्टर है वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू टाइम आ गया तो 2 की पावर 2 हो गई, और 5 की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। सो अगर अपने को एच सी एफ निकालना है 6 और 20 का, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो देखो 2 है तो 2 का लोएस्ट, 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो अपन ने लोएस्ट ली, स्मॉलेस्ट पावर ली, स्मॉलेस्ट पावर क्या होती है 1। 3 की पावर इधर नहीं है तो क्या है 0, तो 3 नहीं लिया। 5 इधर नहीं है तो 5 की पावर क्या ली 0, तो 5 नहीं लिया, तो एच सी एफ क्या हो गया 6 और 20 का 2 की पावर 1 हो गया। ऐसे अगर अपने को एच सी एफ एल सी एम लेना होता है 6 और 20 का, तो एल सी एम में अपन लेते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो अपन ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर क्या थी इसमें और इसमें, देखो 2 की पावर यहाँ 1 है और 2 है, तो अपन ने 2 की पावर क्या ली 2। 3 की पावर इधर तो कुछ नहीं है लेकिन इधर 1 है, तो इधर मैक्सिमम क्या है 0 है या 1 है, 3 की पावर 1 मैक्सिमम है, तो अपन 3 की पावर 1 लेंगे। इधर 5 नहीं है लेकिन इधर 5 की पावर 1 है, तो यहाँ तो 5 की पावर 0 है और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो क्या लेंगे 5 की पावर 1, क्या लेंगे बच्चों 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 इंटू 3 क्या होता है 12, और 12 इंटू 5 क्या होता है 60, तो अपना एलसीएम आ जाएगा 6 और 20 का 60। आई होप बच्चों आपको हेल्प मिली होगी। बाकी इस तरह के क्वेश्चन अपन आज शाम को 5 बजे अपनी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। फेस टू फेस आप क्लास ले सकते हो। क्लास के लिए इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, जूम ऐप डाउनलोड करनी है। ग्रुप पे मैं, जैसे आप जूम ऐप डाउनलोड करोगे उस पर क्लिक करोगे, वहाँ एक इंटरफेस आएगा, आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, लॉगिन आपको नहीं करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको ज्वाइन ए मीटिंग, उस पर क्लिक करना है, फिर आपको ग्रुप पे